बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे ढेर सारा। और आज हम बना रहे हैं स्टफ़ बेल पेपर। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, झटपट से बन जाते हैं। अच्छा, मैं आज इसको बना रही हूँ चिकन के साथ, आप पोटैटो के साथ, राइस बॉयल के साथ, फ्राइड राइस के साथ, किसी भी राइस के साथ बना सकते हैं। वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। ये देख सकते हैं, पैकेट लिया मैंने पूरा मिक्स ये पेपर का। इसमें येलो है, रेड है, ग्रीन भी, हर कलर इसमें मिल जाता है, इसलिए मैंने ये लिया था। ये चार पीस हैं, ये देख सकते हैं आप, ये लिए। 1 टीस्पून भर के गार्लिक, 1 टीस्पून भर के जिंजर पेस्ट लिए, 2 लार्ज साइज़ की ग्रीन चिली लिए, ऐसे मैंने इसको स्लाइस काट लिए, और ये कसूरी मेथी लिए तकरीबन 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम। अगर टेस्ट अच्छा लगता है तो डाल लें, नहीं अच्छा लगता, बाज़ लोग इसमें पसंद नहीं करते, बट अगर अच्छा लगता है जिसको तो वो ज़रूर डालें। 2 टीस्पून भर के चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट कम लीजिएगा क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। 1 टीस्पून मैंने तिक्का मसाला लिया, ये फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। और 1 मीडियम साइज़ टोमेटो लिया है, 1 मीडियम साइज़ ऑनियन लिया, मैंने इन दोनों को चॉप कर लिया था अच्छे से। और इसके ऊपर थोड़ा सा बटर ग्रीस करेंगे जब हम बेक करेंगे शिमला मिर्च को, इसलिए मैंने बटर लिया। और ये 400 ग्राम चिकन है, इसको मैंने धो के काट के क्यूब्स में रख लिया। आप इसका कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा छोटा सा चॉप किए हुए टाइप, उस तरह की भी चीज़ बना सकते हैं चिकन को, जो आपको अच्छा लगता है आप लंबे काट सकते हैं। और ये 200 ग्राम मोज़रेला चीज़ ली है मैंने, और हसबे ज़रूरत ऑयल, बिल्कुल 2 टेबलस्पून डालूंगी ऑयल में जब चिकन को पकाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं, उसी में इंशाल्लाह पक जाएगा। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करते हैं फिर आज की अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। 2 टेबलस्पून के करीब तकरीबन चिकन के बाद डालूंगी मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये पहले जिंजर डाल दिए, फिर गार्लिक पेस्ट, जिसको अच्छा सा पकाएंगे। अच्छा जी, चिकन यहाँ पे काफ़ी हद तक पक चुका है, अभी स्टार्टिंग के प्रोसेस में, बट ये हम चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और टिक्का मसाला डाल दें। ये सब डाल लेने के बाद डालेंगे हम टमाटर, और अनियन, साथ डाल देंगे इसमें ग्रीन चिली, इनको अच्छा सा कुक कर लेंगे। जब तक चिकन बनता है तब तक हम लोग बेल पेपर को कटिंग करके इसकी रख लेते हैं, ऊपर से इसकी कैप उतार लेते हैं फिलिंग के लिए, इसको धो लेते हैं। ये देखिए, हमने सिर्फ इसके ऊपर वाले ये कैप उतार दी है, बाकी इसको नहीं काटना, मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने वॉश करके रख लिए। रेसिपी एक अपनी जगह, बट आप ये देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत है ये कैप्सिकम, रेड, ग्रीन, येलो, अल्लाह की कुदरत, हर कलर में ये कितनी प्यारी सी है। मैं इसके ऊपर से काट लेती हूँ। ये देखें, इसको ये ऐसे इसकी कैप उतार ली, अब इसको अंदर से नाइफ से इसको क्लीन कर लेंगे। ठीक है, ये मैं भी आपको क्लीन कर देती हूँ सारी। अच्छे तरीके से मैंने इसको क्लीन कर लिया अंदर से, ये देखिए, ऐसे ही सब जो बाकी हैं इन सबको भी क्लीन कर लेंगे। दूसरी तरफ फ्लेम देखें इसकी, मैंने मीडियम फ्लेम से लो फ्लेम पे कर दी है, 5 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया इसको,
उसके बाद 3 मिनट मैंने मज़ीद इसको लो फ्लेम पे पकाया। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह अच्छे से गल जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा ड्राई मत कीजिएगा प्लीज़, थोड़ा थोड़ा सा जूसी जूसी रहने दें, तो फिर बस स्टफिंग उसकी बहुत ड्राई हो जाएगी और खाने में इतना मज़ा नहीं आता ड्राई चीज़ों का। ये देखें ये पके अच्छे से तैयार हो गए और मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं जैसे कि कहा था। ये देखें साइडों पे आपको ये नज़र आ रहा होगा टमाटर, और ये ज़्यादा ड्राई नहीं करना इसको, और चिकन भी अच्छे से गल गया ये देख सकते हैं। ये उनसे अलग हो गया, पक गया ठीक है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर इसकी फिलिंग करते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं फिलिंग। रूम टेम्परेचर पे हो गया, अच्छा खासा ठंडा हो गया, फिलिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने सब क्लीन कर ली, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ इसमें भी ऐड कर देते हैं, और हाथों की मदद से इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं ठीक है। अब ये जो फिलिंग है ये देखिए, लास्ट में टॉप पे हमने चीज़ रखनी है ठीक है। बहुत मज़ेदार बनती है, इसको फिर हम बेक कर लेंगे। अच्छा बेक हम विद कवर भी कर सकते हैं, विदाउट कवर भी कर सकते हैं, और लास्ट में इस पर थोड़े से कसूरी मेथी, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और ये देखें बेक के लिए बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, डन हो गया। अब हम इसको बेक करेंगे। लास्ट में करने से पहले जो बटर लिया था थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा लेकर उसके साइड पे कोटिंग कर देंगे, ऐसे हर तरफ से थोड़ा थोड़ा लगा देंगे, उससे ये होगा ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे। ये देखें ये बेक हो जाने के बाद अच्छा सा कलर आ गया, अच्छा सा बेक हो गया। चाहे तो कवर के साथ सर्व करें, चाहे तो विदाउट। ये इसकी फाइनल लुक, 5 मिनट मैंने बेक किया।